Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about air around us, atmospheric pressure, air expand on heating, and contract and cooling. Now, today we are going to continue about hot air is lighter than cold air and air accompanied by reduced air pressure. सबसे पहले देखते हैं hot air is lighter than cold air. You have just learned that air expand on heating. हमने activity 2 में देखा था. Air expand होती है जब आप उसको heat करते हो. In activity 2, when air expand in balloon, its mass remains same. अब जब balloon में heat यहाँ पे water को heat किया था, तो balloon का mass है वो same रहेगा, but volume increase and decrease होता है. In science, to distinguish between a heavier and lighter object when mass are same, we use the term density. अगर साइंस की लैंग्वेज में आपको ऑब्जेक्ट को आपको हैवियर या लाइटर है वो आइडेंटिफाई करना है और उसका मास भी सेम है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेंसिटी. डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मास पर वॉल्यूम. राइट, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है और उसका मास कितना है. राइट, अगर मास सेम है तो वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है. सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज द मास रिमेन सेम द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मास सेम है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये रेसिप्रोकल है. अगर ये इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगा. ओके, अगर ये डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी. इन सिंपल वर्ड हॉट एयर लाइटर. हॉट एयर है वो लाइटर होगी जिसकी डेंसिटी लोअर होगी एंड कोल्ड एयर है जिसकी डेंसिटी क्या होगी हायर होगी बिकॉज वो हैवियर है. सो हॉट एयर राइजेज अपवर्ड. हॉट एयर है वो लाइट होने की वजह से अपवर्ड चली जाती है. अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड एट दैट रीजन वेयर एयर राइजेज. जहाँ पे हॉट एयर है वो ऊपर चली जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है तो उस एरिया पे प्रेशर क्या हो जाता है लो हो जाता है. सो कोल्ड एयर सिंक डाउनवर्ड. तो उसको बैलेंस करने के लिए कोल्ड एयर नीचे आती है. सिंक मीन्स नीचे आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कन्वर्सली यू कैन से दैट कोल्ड एयर इज अ हैवियर हायर डेंसिटी देन अ हॉट एयर लोअर डेंसिटी. अ हायर प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रीजन वेयर द एयर सिंक. एक्टिविटी 3 टू हॉट एयर to show that hot air is lighter than cold air. For that, you need two empty paper bag, same size, wooden stick, thread, candle and matchbox. देखो यहाँ पे क्या किया है. एक हमें wooden की stick चाहिए, एक rigid support चाहिए, thread चाहिए, दो paper bag लेनी है. आप कैसे paper में से bag बनाते हैं बोलेट. तो आपको paper bag लेनी है but same size की होनी चाहिए. यहाँ पे दोनों end पे आपको thread की help से paper bag को hanging position में लटका देना है. अभी क्या करना है इन्वर्टेड पोजिशन में लटकाना है मीन्स माउथ नीचे की साइड आना चाहिए. ओके, अभी क्या करना है नीचे कैंडल रखनी है बर्निंग कैंडल रखनी है जिसको जला के रखा है और उसको एक पेपर बैग आप इस साइड रखो या इस साइड रखो हमने यहाँ पे इस साइड रखा है. ओके, तो जैसे यहाँ से क्या होगा आप कैंडल बर्निंग करोगे और ये पेपर बैग के नीचे रखोगे तो ये जो एयर है पेपर बैग के अंदर जो एयर है वो हॉट हो जाएगी वो राइजेस हो जाएगी. राइट, इसका वेट है वो लाइटर हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा बिकॉज पेपर बैग एम्प्टी है बट उसके अंदर एयर तो प्रेजेंट ही है तो एयर लाइट हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बिकॉज इसकी कंपैरिजन में ये क्या है हायर डेंसर है. इट मीन्स कि इसका वेट ज़्यादा है बिकॉज उसमें कूल एयर है इसमें हॉट एयर है इसीलिए इसकी डेंसिटी कम है वो लाइटर हो गया. ओके, जैसे हम कोई वेजिटेबल्स परचेस करने के लिए जाते हैं तो कैसे वो लोग मेजरमेंट करके देते हैं. राइट, तो ये हॉट एयर होने की वजह से ये वेट उसका लाइट हो गया इसका वेट ज़्यादा हो गया तो ये नीचे आ गया. ओके, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन. इनिशियली वुडन स्टिक इज अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल शोइंग द टू पेपर बैग कंटेन एन इक्वल मास ऑफ सेम एयर. पेपर बैग सेम साइज की थी सेम मास था सेम एयर थी बट जब आप बर्निंग कैंडल रखोगे लेफ्ट साइड वाले पेपर बैग के नीचे तो आफ्टर सम टाइम वुडन स्टिक गोज अप. दिस इज बिकॉज एयर अबव द कैंडल फ्लेम गेट हीटेड एंड द हॉट एयर बींग लाइटर राइजेज अप एंड फिल द लेफ्ट साइड पेपर बैग आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ हैवियर कोल्ड एयर फ्रॉम इट. देयरफॉर लेफ्ट एंड ऑफ वुडन स्टिक बिकम लाइटर मूव्स अपवर्ड. नेक्स्ट, व्हेन यू बर्न अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स ग्रासेस पेपर स्मोक इज राइजेज अपवर्ड. आप जब पेपर बैग को जलाते हो या ड्राई लीव्स को बर्न करते हो या ग्रासेस को बर्न करते हो तो स्मोक ऊपर ही जाती है. क्यों आपने नोटिस किया बिकॉज जो स्मोक है वो उसकी एयर क्या हो जाती है नियर बाई एयर हॉट हो जाती है. राइट, तो वो उसका वेट लाइट होने की वजह से ऊपर चली जाएगी.
Hot air being lighter rises upward, therefore smoke contained in hot air always rises upward. Similarly, you must have seen that hot air balloons rises up in air. This is due to the reason that hot air filled in them is lighter and less denser than the surrounding cold air. Next topic, high speed winds are accompanied by reduced air pressure. जहाँ पे पवन की स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, तो वो कैसे? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. आपको पता है जो एयर मूव करती है उसको क्या बोला जाता है? विंड. इट हैज बीन फाउंड दैट फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे विंड फास्ट ब्लोइंग करता है तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट अ लो प्रेशर. To show that high speed wind accompanied by reduced air pressure. उसके लिए आपको two balloons of equal size, a wooden stick, thread and water चाहिए. Method: Take two balloons in equal size, fill a little water in both balloons to make them slightly heavier and more stable. दो balloon लेना है same size के, दोनों में equal amount में पानी डालना है, right? उसको inflated कर लिया, inflated both balloon by filling air into them. And there tie the mouth properly with the strong thread. दोनों में इक्वल अमाउंट में पानी डाल लिया, वो जनरली क्या होता है, स्टेबल करने के लिए बलून को. ओके, उसको इन्फ्लेटेड कर लिया, मीन्स उसको फुला लिया और उसमें पानी डाल लिया. अभी वुडन स्टिक के आपको दो एंड पे बहुत पास में नहीं रखना है, अब 10 सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंस रखना है. वहाँ पे आपको थ्रेड की हेल्प से इसके जो माउथ है बलून के वो हमने टाई कर दिए थे, अभी थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे उसको हैंगिंग पोजिशन में लटकाना है. राइट, नाउ ब्लू एयर हार्ट इन अ गैप बिटवीन टू बलून्स फ्रॉम योर माउथ. अभी इन दोनों के बीच में, बलून के बीच में जहाँ पे गैप है वहाँ से आपको माउथ से एयर ब्लो करनी है. यू सी दैट टू बलून्स कम क्लोजर. आप देखोगे कि दोनों बलून पास में आने लगेंगे, तो उसके पीछे रीजन क्या है? हाई स्पीड विंड एयर मूव्स थ्रू गैप बिटवीन द बलून्स, प्रेशर ऑफ एयर फॉल्स इन अ गैप. यहाँ पे आप जैसे माउथ से एयर ब्लो करोगे तो यहाँ पे पवन की स्पीड, एयर की स्पीड ज़्यादा होगी इसकी कंपैरिजन में, ये जो सराउंडिंग है उसकी कंपैरिजन में. तो यहाँ पे अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा, और यहाँ पे प्रेशर हाई है. राइट, द एयर प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ बलून बिंग हायर पुश द बलून टूवर्ड्स ईच अदर. इसीलिए बलून्स को हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर साइड मूवमेंट करेगी, इसलिए बलून्स पास में आने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम है और विंड की स्पीड ज़्यादा है. राइट, कंक्लूजन, हाई स्पीड विंड आर अकम्पेड बाई रिड्यूस एयर प्रेशर. नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, पीस ऑफ पेपर, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है और उसके अंदर स्मॉल पेपर का बॉल बना के नेक के पोर्शन के पास रखना है, फिर माउथ से एयर ब्लॉक करनी है. ऑब्जर्वेशन, द पेपर बॉल डज नॉट गो इनसाइड द बॉटल. पेपर बॉल है वो बॉटल के अंदर नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? देखो आपको यहाँ पे दिखाया, When you blow air into the mouth of bottle, the air in the neck of bottle has a high speed. जब यहाँ माउथ से यहाँ पे आप एयर ब्लो करोगे तो नेक के पोर्शन के पास विंड की स्पीड, मीन्स एयर की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा. द एयर प्रेशर इन साइड द बॉटल बिंग हायर, बट यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि एयर की स्पीड ज़्यादा है, बट यहाँ पे प्रेशर हाई है. राइट, यहाँ पे एयर की स्पीड कम है इसलिए प्रेशर हाई है. कॉन्स्टेंटली पुश द पेपर बॉल आउट, तो ये यहाँ से ये अंदर जो हाई प्रेशर है वो ऐसे पुश करेगा बॉल को, इसीलिए जो पेपर बॉल नेक के पास है वो अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर कम है, स्पीड ज़्यादा है. यहाँ पे स्पीड कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ऐसे प्रेशर लगाएगा. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 6, आपको क्या करना है, पेपर की स्ट्रिप कट करनी है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, और उसको थंब एंड फोर फिंगर से होल्ड करनी है. फिर ऊपर की साइड से आपको माउथ से एयर ब्लो करनी है. ऊपर की साइड आप से एयर ब्लो करोगे तो यहाँ पे विंड की एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर लो होगा. यहाँ पे एयर की स्पीड कम होगी कंपैरिजन टू अपर साइड एंड प्रेशर ज़्यादा होगा. राइट, तो आप जैसे स्ट्रिप को ब्लो करते हो तो आपको पता है ऐसे जिगजैग पैटर्न बनती है, ऐसे ऊपर नीचे जाएगी, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो हाई प्रेशर से एयर रश होगी लो प्रेशर की साइड. ओके, व्हेन यू ब्लो एयर ओवर द सर्फेस ऑफ पेपर स्ट्रिप, द फास्ट मूविंग एयर क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. यहाँ पे लो प्रेशर होगा अबव द पेपर स्ट्रिप एंड द प्रेशर बिलो द पेपर स्ट्रिप बिंग हायर. यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा जो पेपर स्ट्रिप को ऊपर की साइड पुश करेगा. राइट, स्ट्रिप अपवर्ड एंड लिफ्ट इट अप. एयर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर इन द एटमोसफियर. एयर मूव करता है जनरली एटमोसफियर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर में. ओके, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, व्हेन विंड स्पीड इज
very high, the roof of huts or a tin sheet of roof of the godown are blow off. This is because when high speed wind blow over the roof, the air pressure above the roof is reduced. The higher air pressure below the roof exerts a large force to lift up the roof that can be blow away by fast wind. देखो जो हर्ट्स है राइट, तो उसके जो रूफ होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं। यहाँ पे पवन की स्पीड ऊपर से ज्यादा होती है, स्पीड कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे अंदर रूफ के अंदर विंड की स्पीड क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए आपके कभी देखा है कि रूफ है वो ऐसे ही उठ के जाता है, बिकॉज यहाँ से प्रेशर कंटिन्यूसली, यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है तो ये यहाँ से वो प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे ऊपर प्रेशर कम है स्पीड ज्यादा है इसीलिए यहाँ से प्रेशर लगेगा एंड यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो रूफ ऐसे उठ के चला जाता है। तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है। सेकेंड, एरोप्लेन की जो विंग्स है वो ऐसे ही डिजाइन की जाती है कि जो विंग्स के ऊपर की साइड होती है वहाँ पे एयर फास्ट ब्लो करती है राइट, तो प्रेशर कम होता है। बट एरोप्लेन से कि नीचे की साइड है वो एयर कंपेरिजन टू अपर साइड कम होती है इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है। वेन द एरोप्लेन रन ऑफ द ऑन द रन वे इन ऑर्डर टू टेक ऑफ द एयर अबव द विंग्स मूव फास्टर, तो प्रेशर बहुत कम होगा कंपेरिजन टू बिलो राइट, द रिजल्टेंट अपवर्ड पुश और लिफ्ट मेक द प्लेन फ्लाई एंड बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई इन द सेम वे। देखो यहाँ पे ऊपर की साइड विंग्स के ऊपर की साइड एयर का जो एयर है वो फास्ट मूवमेंट करेगा, प्रेशर लो होगा। यहाँ पे एयर की स्पीड कम होती है, प्रेशर हाई होता है, इसीलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लिफ्ट होता है। इस सेम वैसे बर्ड्स में होता है राइट, वो एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है प्लस वो फ्लाई कर पाते हैं बिकॉज इसकी विंग्स ही ऐसे डिजाइन की जाती है कि ऊपर की साइड प्रेशर लो होता है, नीचे की साइड हाई होता है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में वो लिफ्ट करता है, पुश होता है राइट। देखो अगर विंग की स्पीड मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए एनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट आता है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है, एंड अगर विंग की डायरेक्शन मेजरमेंट करनी है तो विंड वैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही वेदर पैटर्न चेंज होती है। व्हेन हॉट एयर राइजेस इट क्रिएट एरिया ऑफ लो प्रेशर, जहाँ पे हॉट एयर राइजेस होती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। वाटर वेपर इन इट्स कंडेंस टू फॉर्म, वहाँ पे वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा राइट, तो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएगा एंड क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेगा। थस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। Conversely, the cold air sink, cold air नीचे आएगी and high pressure generate होगा, it means condensation cannot occur. Thus, high pressure is associated with clear and sunny sky. Right? तो ये जो cold air है वो नीचे आ रही है तो वहाँ पर condensation नहीं हो रहा है। Wind current are generated due to uneven heating of earth. Wind current generate हो रहा है, wind blowing हो रही है because अर्थ पे अनइवन हीटिंग हो रहा है इसकी वजह से। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेट हॉरर राइजेस एट प्लेस एंड एयर प्रेशर दैट प्लेस गेट लोअर, द कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस टू फिल इट्स प्लेस। दिस सेटअप इज कन्वेक्शन इन एयर ऑल्सो नोन एज अ कन्वेक्शन करंट इन एयर। आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन होती है एटमोसफियर में जहाँ पे हॉट एयर राइजेस हो जाती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कोल्ड एयर सराउंडिंग में से रशिश होती है राइट, तो एक कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है राइट। आपको पता है कि गैसेस एंड लिक्विड में कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है राइट, जिसको बोला जाता है कन्वेक्शन करंट इन एयर राइट। देखो द ग्रेटर डिफरेंस इन एयर प्रेशर, अगर जितना एयर प्रेशर में डिफरेंस रहेगा राइट उतना ही एयर फास्ट ब्लो करेगी, क्योंकि अर्थ पे तो अनइवन हीटिंग होता है राइट, तो प्रेशर भी डिफरेंस रहेगा, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, तो एयर वो है वो फास्ट ब्लोइंग करेगी। द डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर इज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, और ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, बिकॉज अर्थ पे पूरे अर्थ पे सारी जगह पे जो टेम्परेचर है जो हीटिंग होता है सन रेज का, बिकॉज ऑफ द सन रेज वो एक जैसा नहीं होता है राइट। अगर हीटिंग एक जैसा नहीं होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो प्रेशर डिफरेंस भी होगा राइट, जिसकी वजह से एयर फास्ट ब्लोइंग होती है। दस द विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ, इसीलिए विंड जो जनरेट होता है, विंड और कुछ नहीं है, विंड जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ। इट टेक प्लेस इन टू सिचुएशन, वो दो तरीके से होता है, अनइक्वल हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल ऑफ अर्थ। अनइक्वल हीटिंग होता है इक्वेटर रीजन एंड पोल ऑफ अर्थ में, बिकॉज इक्वेटर में डायरेक्टली सन रेज पास होते हैं एंड पोल्स एरिया में स्लैंटली होते हैं। एंड सेकेंड, अनइक्वल हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर ऑफ ओशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है,
जो प्रेशर डिफरेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज लैंड एंड वाटर में अनइक्वलिटी होता है, राइट. तो आपने लैंड ब्रिज सी ब्रिज का कंसेप्ट स्टडी किया होगा, राइट. तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे स्टडी करना है. ये जो विंड करंट जनरेट हो रहा है बिकॉज पोल एंड इक्वेटर के पास अनइक्वल हीटिंग होता है, प्लस लैंड एंड वाटर जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे अनइक्वल हीटिंग होता है, जिसकी वजह से विंड करंट जनरेट होता है, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल में देखेंगे.